नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। भाई एक अपडेट है आप लोगों के, हो सकता है ये ध्यान में रखने की बातें हैं, कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। जी हाँ, और घटना घटने की है। भैया आप 6 महीने से, 5 महीने से, 7, 8, 9 महीने से कंपनी में काम कर रहे होते हैं, कंपनी फिर बोलती है हम आपकी तनख्वाह दे देंगे, अगले महीने देंगे, नेक्स्ट वीक देंगे, फलाना ढिमका, ऐसे बहानेबाजी करती रहती है। फिर आपका टाइम निकल जाता है 7, 8, 9, 10 महीने, काफी सारे हजारों की वर्कर या सैकड़ों वर्कर होते हैं, फिर कंपनी के ऊपर भी भार आ जाता है, तो इन लोगों की सैलरी हम कहाँ से चुकाएं। हो सकता है कंपनी वित्तीय नुकसान, वित्तीय घाटे में पहले से चल रही होती है, तो फिर वो बहानेबाजी निकालनी होती है, लेकिन आप लोगों की भी मजबूरी होती है, आप कहाँ जाएंगे भाई? तनख्वाह कंपनी नहीं देगी तो आप क्या करोगे? बहुत सारे लोग हैं जो लेबर कोर्ट में जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट केस वगैरह फलाना ढिमका करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आदमी परेशान हो जाता है, थका जाता है, तो वो फिर गलत कदम उठाने की सोचता है। जी हाँ, यही एक मैटर निकल के आया है, बता दूं मैं दुबई में एक बांग्लादेशी वर्कर था, काफी टाइम से उसकी सैलरी पेंडिंग पड़ी थी कंपनी के अंदर, वो उसके बिजनेस उसमें जॉब कर रहा था, तो कंपनी नानुकूर कर रही थी, तो बंदा परेशान होके ऑफिस के आगे पहुंच गया, कैन करोसिन पेट्रोल लेके। जी हाँ साथियों, पेट्रोल लेके ऑफिस के आगे पहुंच गया कि या तो मेरा पैसा दो, मेरी सैलरी दो, बकाया भुगतान करो, वरना मैं यही पेट्रोल डाल के मैं मरूंगा। जी हाँ, ये न्यूज निकल के आ रही है दुबई वे में, जिसमें पुलिस ने, फिर आपको पता है कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस वहां पे पहुंच गई, उसके बाद में क्या हुआ डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि कल कंट्री से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन इसमें पता है आगे हुआ क्या है, ये माजरा उल्टा पड़ गया। किसी के ऊपर जबरदस्ती करना, ये एक तरह से ब्लैकमेल करना, धमकी देना कि या तो तू पैसे दे दे या मैं मर जाऊंगा तो तेरे नाम आऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है कानून के हिसाब से, ये बातें बिल्कुल गलत होती है। तो ये मुकदमा लगा किसके ऊपर, जिसने धमकी दी, जो पेट्रोल की कैन लेके गया उसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसी के ऊपर ये मुकदमा लग गया, क्योंकि कर्मचारियों ने फिर FIR करवा दी उसके खिलाफ में कि ऑफिस में आके हमें धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है कि आप मेरे पैसे दे दो वरना मैं मर जाऊंगा और आपका नाम आएगा वगैरह वगैरह, जो भी अपनी लैंग्वेज में उसने बोला, तो उसके ऊपर मुकदमा हो चुका है। आरोपी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि जी हाँ बिल्कुल मैंने ये बात बोली थी, लेकिन अब इसका क्या होगा भाई? पैसा सैलरी अलग बात है कि किसी कंपनी के साथ आपका व्यवहार है, उलझ गया पैसा, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि या तो आप पेमेंट दे दीजिए या फिर मैं मर जाऊंगा, या उनको ब्लैकमेल करना, धमकी देना, ये कानूनन जुर्म होता है। चाहे आप इंडिया में देख लो, चाहे आप अदर कंट्रीज में देख लो, कहीं पर भी देख लो, इस तरह से आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो ऐसा कदम अगर आप उठाओगे तो आपके ऊपर ही दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि आप किसी के पैसे मांगते हैं, उसको आपने उठा लिया, जबरदस्ती कर लिया, तो एक तो आप उसको पैसा मांग रहे थे तो उसको आपने उठाया, उसको पकड़ा, कुछ भी किया, लेकिन जब वो FIR करवाएगा आपके खिलाफ, अपहरण का मुकदमा करवाएगा आपके खिलाफ कि उन्होंने मुझे अपहरण करके मारने की कोशिश की, मुझे धमकी दी, मुझे ये किया वो किया, तो मतलब आपका एक पैसा गया, दूसरा आपके मुकदमा ऊपर आपके ऊपर तैयार हो गया। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, चाहे आप इंडिया में बैठे हैं चाहे आप अदर कंट्री में बैठे हैं, समझ गए बात को? पैसा मांग रहे हैं तो उसको तरीके से निकलेगा, लीगल एक्शन लीजिए ना आप उसके खिलाफ, आप एक्शन लीजिए, कानूनी एक्शन लीजिए, आप जाके वहां पे पेट्रोल लेके धमकी देंगे तो बिल्कुल गलत बात है। तो बिल्कुल भी ऐसी आपके साथ भी सिचुएशन हो जाती है तो इन चीजों से बचें, निकलें और उसका कानूनी तरीके से उनका समाधान करने की कोशिश करें, इसी में आपका फायदा रहेगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।